फीमेल कंडोम्स क्या है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी तक ऐसा था कि मेल कंडोम्स पहनते थे और मेल कंडोम पहनेगा नहीं पहनेगा, कब पहनेगा, किस तरह का कंडोम है, वो फट गया तो क्या है, ऐसी काफी सारी परेशानियां रहती थी। कोई फट गया तो इसे डबल कंडोम पहनो। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता था कि इलेक्शन के बाद में कि वो कंडोम पहनते हैं तो इलेक्शन ही खत्म, तो वो कंडोम पहनते नहीं है कि नहीं डर के मारे कि भाई इलेक्शन खत्म हो जाएगा और जो कठोरता आई वो निकल जाएगी। फीमेल कंडोम से ये प्रॉब्लम सब निकल गए। फीमेल कंडोम जो है वो 8 घंटे पहले भी आप पहन सकते हैं, ताकि पहले से भी आपको पता है कि सेक्स होने वाला है, तो आप मतलब फीमेल कोई भी फीमेल हो 8 घंटे पहले से पहन सकती है। पैकेट में आता है और रैप किया हुआ रहता है, उस पैकेट में से निकालना है कंडोम को और उसको अंदर वजाइना में ढकेलना है, उंगली से अंदर ढकेलना है ताकि उसका जो रिंग है मुंह जो है वो बाहर रहे, अंदर पूरा जाएगा, अंदर तक जाएगा जितना जा सके उतना उंगली से अंदर ढकेलना है, सिर्फ उसका मुंह बाहर रहेगा वजाइना के पास में और सेक्स आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। सेक्स होने के बाद में कंडोम को ऐसा घुमा के बाहर खींच लेने का है और उसको बाहर फिर वेस्ट पेपर बास्केट में पैकेट में डाल के फेंक देने का है। मतलब इसमें बहुत आसानी है, टेंशन नहीं है, इलेक्शन निकल जाएगा ये प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज को ये टेंशन नहीं है कि भाई पहनेगा नहीं पहनेगा, लाएगा साथ में नहीं लाएगा, कंडोम अवेलेबल है नहीं है, तो ये प्री प्लानिंग से किया जा सकता है। और काफी सारे जो कंडोम के प्रॉब्लम्स हैं मेल कंडोम्स के, वो प्रॉब्लम्स इसमें से निकल जाए। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर कर दीजिए, ये कंडोम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकल के एक सेफ सेक्स, अच्छा सेक्स हो सकता है जिसमें एड्स बोलो, एचआईवी बोलो या और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, उसका ट्रांसमिशन होना असंभव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।